मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन ने नए साल से प्रारंभ किया सदस्यता अभियान। बड़ी तादाद में रिक्शा चालक यूनियन से जुड़ने को है तैयार। कांदिवली पश्चिम में टैंक रोड रिक्शा स्टैंड पर यूनियन से जुड़ने के लिए रिक्शा चालकों की लंबी लगी कतार। यूनियन ने रिक्शा चालकों की मौजूदगी में किया दिनदर्शिका कैलेंडर का विमोचन। इस मौके पर यूनियन अध्यक्ष विजय शंकर मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष व यूनियन के लीगल एडवाइजर एडवोकेट आर पी पांडे, यूनियन के प्रवक्ता रितेश तिवारी और मीडिया प्रभारी सुनील कनौजिया, मुंबई उपाध्यक्ष हुआ लिया तो मुंबई उपाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी, समाज सेवक एम पी सिंह, कमेटी अध्यक्ष मजहर अली शेख व तमाम रिक्शा चालक पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। समाचार के सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कांदिवली के टैंक रोड पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन की तरफ से सदस्य अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर बड़ी तादाद में यहां पर रिक्शा चालक होंगे। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पे लंबी कतार लगा करके मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन से जुड़ने के लिए लोग उत्साहित हैं, और इसकी कवायद की है यहाँ के मुंबई अध्यक्ष विजय शंकर जी ने और उसके लीगल सेल के एडवाइजर हैं एडवोकेट आर पी पांडे। बात करते हैं जिसे मिश्रा जी क्या कहेंगे। चल जल्दी। आज 2022 पहला 1/1/2022 है और 31 दिसंबर को सदस्यता अभियान, चूँकि मेंबरशिप जो 2021 की थी वो ख़त्म हो गई, आज पहला 2022 का सदस्यता अभियान पहला शुरुआत हुआ और शंकर गली टैंक रोड कमेटी से, और इसमें भारी संख्या के लोग का डिमांड है कि हमारे यहाँ टेबल लगाइए, हमारे यहाँ सदस्यता अभियान करिए। अपने यहाँ 75 कमेटी है और सबका ये डिमांड है कि हमारे यहाँ टेबल लगना चाहिए। तो चूंकि आज हम लोग ने 5 जगह किया, पहला शंकर गली टैंक रोड पे मजहर अली खान और सुनील कश्यप इनको नेतृत्व में, हमारे पदाधिकारी हैं इनके नेतृत्व में टेबल आज लगाया गया। बाकी सदस्यता अभियान बुक दे देंगे, हर कमेटी लोग अपने हिसाब से अपना मेंबरशिप फाड़ेंगे। और मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के लिए हमारे बड़े भाई आर पी पांडे जी, जो महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं और लीगल सेल एडवाइज़र हैं, चूँकि हमारे रिक्शा वालों के लिए निःशुल्क केस लड़ने वाले हमारे भाई साहब आर पी पांडे जी ने यूनियन के साथ यूनियन के लोग के लिए काफ़ी हेल्प किया है। गरीब तबके के लोग हैं और उनके लिए 24 घंटा वो खड़े हैं कोई भी समस्या से। आप लोग इस यूनियन से लगातार जुड़ते जा रहे हो, आखिर क्यों इस यूनियन से ही क्यों जुड़ रहे हो आप? इस यूनियन से हम लोग इसलिए जुड़ रहे हैं कि हमारा मिश्रा जी जो है हर वक्त हमारा काम करते हैं, हमारे मेंबर लोग का ध्यान रखते हैं, कोई भी कुछ होता है पुलिस चौकी ये वो सब जो है कानूनी सुविधाएं वगैरह सब कुछ उपलब्ध होता है। और हमारे ये जो है अध्यक्ष नहीं हमारे भाई जैसे हैं, हम लोग सब लोग मिल के ये संस्था चला रहे हैं। बात करेंगे रिक्शा चालकों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले लीगल सेल के लीगल एडवाइज़र हैं हमारे साथ में आर पी पांडे जी हैं, और हमारे रिक्शा भाई यहाँ चालक लोग बहुत अच्छी तादाद में जमा हैं। और इसकी वजह ये है कि देखिए ये यूनियन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही है तो ही लोग इससे जुड़ रहे हैं। इस वर्ष हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 मेंबर बनाया जाए, और हम लोग जगह जगह इसका प्रचार प्रसार करेंगे और रिक्शा वालों के लिए हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तत्परता कानूनी सुविधाओं के बारे में जिस तरीके से कई बार हादसे होते हैं और क्लेम होती है जो इंश्योरेंस का, लगभग बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका क्लेम पास ही नहीं, पंचनामे के बाद में क्लेम होता है, फिर कंपनी अलग अलग तरीके से एडवाइस करती है, ऐसे में किस तरीके की भूमिका? देखिए मैं पेशे से वकील हूँ, खुद मुझे कानूनी दाव पेच मालूम है, और इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं हम पहले भी निदान करते रहे हैं। मैं यूनियन से जुड़ा हूँ, यूनियन से नहीं जुड़ने के बावजूद भी मैं बहुत पहले से इन लोगों का काम करता हूँ, चाहे पुलिस स्टेशन का काम हो, चाहे कोई FIR हो, चाहे किसी तरह की दिक्कत हो, कानूनी सहायता हो, या कोर्ट में केस लड़के और इन लोगों को भुगतान दिलाना, ये सब मैं काम करता रहा हूँ। अब तो और जिम्मेदारी आ गई है तो मैं और तत्परता से इस सब काम करूँगा। आज हमारी यूनियन में बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ हमारी यूनियन में दम है। दम कहाँ से है? विजय शंकर मिश्र जैसा व्यक्तित्व हमारी यूनियन का उनके नेतृत्व में मिला है।